दादू जी के इन पदों को थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं शुरुआत में उन्होंने ये नहीं कहा मेरी जीबा राम ही राम रटोरे वो जीव को नहीं कह रहे मन को कह रहे अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज द डिफरेंस प्राय धर्म अभिलाषी लोग माला पकड़ते हैं हाथ में और जीब से अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं राइट right? कोई गायत्री करता होगा कोई महामृत्युंजय कोई मूल मंत्र करता होगा कोई जप जी करता होगा कोई हनुमान चालीसा करता होगा सुबह का नियम बाप दादा जो हमको सिखाते हैं घर में जैसा हम बड़ों को करते देखते हैं वैसा हम भी सीख जाते हैं तो जो भाई देखा वो हम करने लग गए तो जीब बोलती है माला अगर हाथ में है तो माला चलती है हाथ में एक एक मन के पर एक एक मंत्र करते हैं जीव भी कर गई हाथ भी कर गए प्रश्न उठता है क्या मन भी था उसमें दैट इज द बिगर क्वेश्चन हज तो, तो भैया एतबार का दिन है तो मैं तुम्हारी बात का एतबार कर लूंगी तो तुम कहो कि जब तुम मंत्र करते हो तो जीव से करते हो कि मन से करते हो जीव मंत्र बोलता है कि मन मंत्र बोलता है यहां के मुश्किल हो जाती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो जीव से करना सीखा वही नहीं होता समय नहीं निकलता और उस पर हम एक और आफत डाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर ये कह के कि मन से होना चाहिए जीव से तो कोई लाभ ना होगा देखिए भगवान को आपकी ये तीन इंच की जीव थोड़े चाहिए उसको तो मन चाहिए जीव का वो क्या करेगा अब जीव में नाम है और मन में संसार है तो माला चलती है पाठ चलता है और मन सोच रहा है वहां जाना है ऑफिस में मीटिंग है क्लाइंट आ रहा है क्या करेंगे, आज ये होना है और आजकल तो और भी बड़ी समस्या आ रखी है लोगों के लिए बैंक में जाना है कैश निकलवाना है सबसे बारी समस्या इस समय यही चल रही बैंक की लाइन में आज किसको लगाएंगे हाँ। किसको भेजेंगे जहां से हम पैसे निकाल सकें पहले ही पैसे का कोई कम ध्यान था हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल लगा दिया सबको पैसा पैसा सुबह शाम उठते बैठते पैसा पैसा हो रहा है इस समय कितने निकले यही पूछते हैं जब अनाउंसमेंट हुई तो, तो सब पूछते थे घर में कितने निकले और आज पूछते हैं बैंक से कितने निकले कैसे काम चल रहा है मन में चिंता पैसे की कारोबार की परिवार की पति पत्नी की इसने ये कहा उसने वो कहा इसने ये बोला इसको समझाना है उसको कहना है ये करना है वो शॉपिंग है वो और वहां सेल लगी है यू नो दिस इज अ बेस्ट टाइम ऑफ सेल्स राइट इज क्लियरिंग आउट स्टॉक नहीं तो बिकेगा नहीं आके ले जाओ कोई सर्जन कह रहे थे बाय वन, 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 वन गेट थ्री फ्री एंड वी विल ऑल्सो गिव यू थैंक यू नोट फॉर कमिंग टू तो आवर शॉप धन्यवाद का एक नोट भी बना के देंगे की आप आए समय निकाल करके बड़ी हिम्मत वाले हो आप ऐसे समय में आप आ रहे हैं तो ये तो अभी का हाल है पर डिमोनेटाइजेशन से चलो पहले की थोड़ी बात करते मे बी थिंग्स वर बेटर एट दैट टाइम आप कर रहे हैं जब मन करता है मंत्र या सिर्फ जीव ही करती है याद रहे जीभ के करने के लिए नहीं कहा गया है मन के करने के लिए कहा बोला मेरे मन राम ही राम कहो से मन को कहा मन राम राममय होना चाहिए ये नहीं कहा कि जीव राममय होनी चाहिए प्रश्न मन का है राम नाम है सहज सुहावे दादू कहते हैं मुझे राम नाम सहज सुहाता है उनके चरण मन लीन रे रह। प्रश्न ये आता है हमारे मन को क्या पसंद आता है आपके मन को क्या पसंद आता है अब हम चीजों के स्पोर्ट्स और गेम्स के खाने और पीने के कपड़े ओढ़ने और पहनने की बात तो नहीं करेंगे ना अभी वो तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी आपकी मुझे ये पसंद ये पसंद ये पसंद लेट मी ब्रिंग अ क्रक्स ऑफ दिस होल लाइकिंग्स जो भी आपको पसंद है वो इसलिए पसंद है कि उस चीज से आपके मन को सुख होता है चाहे वो दाल बाटी खाने का होए चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने का होए चाहे कोई एडवेंचर स्पोर्ट करने का हो या चाहे वो शेयर मार्केट से पैसे ज्यादा बनाने का बात हो लेकिन आपको जिस चीज से सुख की अनुभूति होती है मन को वही चीजें प्रिय होती हैं। ध्यान में आ रहा है कि एक सज्जन ने मुझे कहा जी क्या करें दिल तो बड़ा करता है भगवान का नाम स्मरण करें पर मन नहीं लगता है मन तो यहां वहां भाग जाता है हमारा मन बड़ा बुरा है मन तो लगता ही नहीं है अक्सर लोगों का मानना है कि मन लगाए से भी नहीं लगता है क्योंकि मन बुरा है इसलिए लेकिन मैं कहती हूं इसी बुरे मन के साथ जब आप तीन घंटे का सिनेमा देखते हैं तो मन लगता है या नहीं आप उत्तर दीजिएगा मुझे यही मन बुरा जो लगता नहीं है मैं इसी मन की बात कर रही हूं जब आप जाके मल्टीप्लेक्स में सिनेमा हॉल में बैठते हैं तब आपका मन उस सिनेमा में लगता है या नहीं से यस और नो जब आप यहां स्टेडियम में uh, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा हो और आपको ऐसी सीट अच्छी वाली मिल गई हो जैसे आज मिली हुई है तो वहाँ आप बैठ करके जब आप इंडियन क्रिकेटर्स को परफॉर्म करते देखते हैं तो कुछ दिक्कत होती मन लगता है या नहीं लगता है हाँ कि ना लगता है और आप अपनी श्रीमती को लेकर गए हैं उसकी पसंदीदा ज्वेलरी शॉप में और वो ज्वेलरी देख रही है तो क्या कभी आपकी श्रीमती ने ऐसे कहा क्या करूं पति देव बड़ा लगा रही हूं मन लग ही नहीं रहा है क्या ऐसा होता है क्या आप गए हैं अपनी फेवरेट आ, कपड़े की दुकान में और आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि आपको मन लगाने के लिए कोई पूछना पड़े किसी गुरुजी को कि हेलो गुरुजी व्हाट शुड आई डू मन नहीं लग रहा है शॉपिंग में आई तो हूं मन नहीं लग रहा है क्या ऐसा कभी होता है नहीं होता है। चार महिलाएं बैठ करके गप लड़ा रही हो चाय की चुस्कियों पर और मन ना लगने की समस्या होती है क्या और चार रिटायर्ड बुजुर्ग बैठे हों पार्क में धूप सेक रहे हैं मुफ़ली खा रहे हैं और गप्पे हो रही हैं पॉलिटिक्स और एवरीथिंग अंडर द स्काई की तो कहा मन लगने में कुछ कठिनाई होती है क्या डिफिकल्टी और नॉट सुपया आज के बाद कम से कम यहां जितने हाजिर है ना तो आपको भगवान की शपथ ये मत कहिएगा कि हमारा मन बुरा है और लगता नहीं है बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप। आपका मन लगता है बहुत अच्छे से लगता है जहां जहां सुख मिलता है वहीं वही लग जाता है तो इस सारी बात से एक निष्कर्ष और भी निकल के आ रहा है बड़ा खतरनाक वाला है पता नहीं सारे संत महात्मा पागल है जो कहते हैं राम नाम में बड़ा आनंद है क्योंकि तुम्हें तो कहीं कोई आनंद नहीं मिलता उसमें समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग या तो ये सिर्फ ही पागल हैं सब जो कहते फिर रहे हैं मेरे को बड़ा आनंद हो रहा है मेरो मन तब चरण लीन रहो रे वो तो कह रहे बड़ा आनंद आ रहा आप कह रहे नहीं आ रहा तो या तो उनकी उल्टी खोपड़ी है या आपकी किसी एक की तो जरूर उल्टी खोपड़ी है मन को सुख लगे तो मन लगाना नहीं पड़ता मन सहज से लग जाता है और अगर मन को सुख न लगे तब तो फिर लाख यत्न करके भी उस मन को टिकाना मुश्किल हो ही जाएगा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अभी भगवान को याद मजबूरी में करते हो अभी कोई प्यार प्रेम नहीं है भगवान को याद करना चाहिए संत कह रहे हैं ढोंडी पीट पीट के कह रहे हैं नहीं तो जमराज आवेगा और मारेगा और दुख आएगा भगवान को याद करो भगवान को याद करो तो मजबूरी में इम्तिहान आ जाए ना तो हनुमान जी के मंदिर में लाइन लंबी हो जाती है शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने वालों की लाइन लंबी हो जाती गुरुद्वारे में मत्था टेकने वालों की लाइन लंबी हो जाती बारी नहीं आएगी प्रसाद लेने को क्यों इम्तिहान के दिन है मैं एक शेयर पढ़ रही थी शायर कहता है बड़ी खलबली सी मच रही है आज शहर के गलियारों में बड़ी खलबली सी मच रही है आज शहर के गलियारों में लगता है चुनाव आ गया है नी तो शोर क्यों हो चुपचाप लोग अपने कामों को जाते हैं कोई सामान बेचता है कोई सामान करी तो ज्यादा शोर नहीं होता वो तो जब शोर बढ़ने लग जाए तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन भजन में मन न लगना ये बड़ी समस्या है ऐसे ही समझिए कि जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा यूजेज हो रहा है घरों में जैसे ऐसे मीटर आ गए हैं ऐसा स्विच uh, बोर्ड होता है विच ड लुक लाइक अ स्विच मैं पिछले दिनों किसी ऐसे ही घर में थी जो रूम में पहुंची तो समझना लगे कि लाइट है कहाँ पर घर वालों को बुलाना पड़ा जरा बताइए कहाँ है तो कहते जी ये जो दरवाजे के साथ एक छोटी सी रेड लाइट थी कि जस्ट प्लेस योर फिंगर हीर द लाइट विल ऑन जैसे उंगली रखी पूरी लाइट ऑन हो गई फिर उन्होंने बताया इसमें मूड लाइटिंग है हाँ जैसा मूड हो वैसी लाइटिंग करो तो इसमें छोटे चोट छोटे बारीक से बटन है प्रेस इट विद योर फिंगर एंड वाला दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ ड्रामा विच विल कम ऑन मालूम ना हो तो बिजली ऑन करने भी मुश्किल हो जाए मालूम हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता आपसे सबने ये कहा भजन करो आपसे सबने ये कहा भगवान का नाम जपो लेकिन सिर्फ एक गलती हुई है और वो गलती ये कैसे जपो ये किसी ने नहीं बताया हाउ टू डू देर इज नो मैनुअल विल इज गिवन टू यू ये तो ऐसे हो गया कि आपको हवाई जहाज के पास खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए अब आप हवाई जहाज उड़ाओ उड़ा पाएंगे क्या बड़ा मुश्किल है कभी कॉकपिट में जाने का अवसर हुआ हो या टीवी में कभी देखा हो तो, तो देर और हंड्रेड्स ऑफ बटन ओवर देयर देर जिससे पायलट खेलता है और जहाज को ले जाता है पैंतीस हजार फिट की ऊंचाई पर और सुरक्षित नीचे उतार लेता है कैसे उसकी ट्रेनिंग है उसने सीखा है और एक्चुअल हवाई जहाज उड़ाने से पहले उनको सिम्युलेटर्स के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे तुम जहाज को उड़ाओ और सिमुलेशन में ही वो एक्सीडेंट कर ले भले जितने मर्जी कर ले लेकिन एक्चुअल जहाज को हाथ लगाने से पहले एक लंबी और सख्त ट्रेनिंग उसकी होती और एक दफा ट्रेनिंग हो जाए ये हालात भी इतने खराब नहीं थे एक बार मैं बड़ोदा से वापिस आ रही थी दिल्ली तो पायलट मुझे पहचाने बहुत प्यार से मिले और कहते हैं मेरा बड़ा सौभाग्य आज, आज आप मेरी फ्लाइट में जा रही हैं मैंने कहा मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा इंसान हमारी फ्लाइट को उड़ा रहा है आज अदरवाइज हाउ वुड यू नो कौन कौन उड़ा रहा है तो आपका दर्शन हो रहा है यू सिम टू बी नाइस फैलो गुड तो अभी टेक ऑफ हो गया इनबोर्ड थे हम लोग तो इतने आया हॉस्टल आई तो उसने कहा कि पायलट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप कॉकपिट में आना पसंद करेंगे वाई नॉट चलो हम तो वो छोटे बच्चे की तरह पहुंच गए अंदर फट से देखने के लिए वाई शुड आई लूज द अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने वहीं पर सीट दे दी मेरे को और बैठे हुए मैं देख रही थी और समझ रही थी और वंस द एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट तो वहीं चाय उन्होंने मंगा दी वो भी पी रहे मैं भी पी रही हूँ बातें हो रही तो मैंने कहा भाई जहाज़ कौन उड़ा रहा बोले एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक नाउ अभी तो जरूरत मेरी पड़ेगी सिर्फ जब टैक्सी करना है दैट्स इट उसके पहले कोई आवश्यकता नहीं है इट्स ब्यूटिफुल प्लेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई और ये मैंने देखा जैसे ही दिल्ली आने का आ, संकेत हो गया उनके मीटर से उन्हें मालूम हो गया वहाँ पर उन्होंने दो चार बटन बस और ये जहाज स्मूथली नीचे आया और सिर्फ लास्ट में जब वो पार्किंग करना था तब तो उन्होंने अपने लीवर को हाथ लगाया उसके पहले तो सब कुछ हो रहा था मैंने कहा तुम्हें तो, तो फ्री की सैलरी मिलती जहाज तो खुद ही उड़ रहा है ऐसा जहाज तो मैं भी उड़ा लूंगी कोई दिक्कत नहीं है इसमें नॉट बिग इशू बट इट इज उसकी ट्रेनिंग है साल दो साल की ट्रेनिंग है उसके पीछे मैं आपको अनुभव से कह सकती हूं अगर आप ठीक तरीके से मंत्र जप करना सीख लें तो ये आपके अंतर की इनर फ्लाइट हो जाती एंड इट इज द स्मूदेस्ट वन एंड वेरी थ्रिलिंग वन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एडवेंचर आल्सो बहुत खूबसूरत पर आना चाहिए पहले उड़ाना अगर उड़ानी नहीं आती है तो फिर तो जहाज का इतना वजन है तो तुम तो उसे हिला भी नहीं पाओगे धक्का भी ना मार पाओगे जैसे कार को तुम धकेल के कुछ तो चला लोगे जहाज को तो तुम धक्का मार के चला भी नहीं पाओगे तो सीखना पड़ता है कैसे उसको चलाया जाए ऐसे ही मंत्र कैसे करना है ये भी सीखने की आवश्यकता होती फ्यू स्मॉल इनसाइट्स इन टू इट पहली बात आ, कहो हमने राम मंत्र लिया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अब ये जब मंत्र हम बोलते हैं तो इसमें होता क्या है और एनी अदर मंत्र राम का हो कृष्ण का हो निर्गुण का हो निराकार हो ओम हो कैसा भी हो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वह शब्द एक ऊर्जा को उत्पन्न करता है एवरी साउंड इज रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशन which हैपन इन योर थ्रोट हमारे यहां एक वॉइस बॉक्स होता है जब आप कोई भी शब्द बोलते हैं स्पंदित होता है वोकल कॉर्ड्स और उनके स्पंदित होने से ये ध्वनि जो है आपके मुख से निकलती है यह जो ध्वनि है यह एक मेजरेबल ऊर्जा है माने इसको हम नाप भी सकते हैं। कितने डेसिबल लेवल पर कोई भी शब्द होता है उस शब्द को नापा जा सकता है हर ध्वनि एक ऊर्जा है हर ध्वनि एक फोर्स होती है जैसे आ, कभी आपने किसी आर्मी वाले के साथ थोड़ा देखा हो या उनको समझा हो आर्मी वाले जब एक पलटन मार्च पास्ट करती हुई जाती है सड़क पर तो कदम से कदम मिला निकलते हैं वो That is their discipline. That is how they have to walk. लेकिन अगर लोहे के किसी पुल से उनको गुजरना हो तो वो एक से कदम मिलाकर थाप देते हुए नहीं चलेंगे तब उनको कहा जाता है वॉक इजी तो वो मार्क्स पास नहीं करेंगे वो नॉर्मल चलते हुए निकल जाएंगे क्या रीजन है इसका इसका कारण ये है वर्ल्ड वॉर टू में इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जब आर्मी के जवान अपने भारी भरकम उन बूटों के साथ एक लय में पैर उठा के जमीन पर पटकते हैं और जब वो इस तरह से किसी लोहे के पुल से गुजरते हैं तो उस लोहे के पुल के कमजोर होने का और अगर वो कहीं पुराना है तो टूट जाने की चांसेस पूरी की पूरी रहती इसलिए उनको ये कहा जाता है कि जब वो पुल से निकलते हैं तब वो मार्च पास नहीं करेंगे तब वो नॉर्मल निकल जाएंगे आवाज की जो एक फोर्स है एक शक्ति है उस शक्ति का एहसास हम इसको मेडिकली सर्जरी में भी ले सकते हैं आपने कभी पत्थरी की किसी की सर्जरी सुनी हो या देखी हो देखी ना सही तो सुनी तो होगी लिख तो की होल सर्जरी होती है और उसमें वो क्या करते हैं दे आर सेंडिंग द साउंड वाइब्रेशन वो ध्वनि की एक फोर्स उस पत्थरी तक उस टोन तक भेजते हैं जिससे वो पथरी टूट जाती है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है में साउंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है पत्थरी को तोड़ने के लिए तो ध्वनि एक तरंग है तरंग में ऊर्जा है और ऊर्जा से बहुत कुछ होना संभव हो सकता है अगर पथरी तोड़ी जा सकती है अगर सैनिक के दल के पाँव की पदचाप से लोहे के पुल को इतना नुकसान हो सकता है अब इसी आधार को ले लीजिए हमारे संतों ने शब्द के ध्वनि के विज्ञान को जाना और समझा और इसी विज्ञान का उपयोग उन्होंने आध्यात्मिक साधना हेतु किया Let's say, हम कोई भी ध्वनि ले ले अगर उस ध्वनि को राइट पिच में बोलें और उस ध्वनि पर हम अपने मन की एकाग्रता को जोड़ दे दो चीजें इकट्ठी हों एक ध्वनि एक पिच तक होए दूसरा हमारी पूरी अटेंशन हमारा पूरा ध्यान हमारी पूरी एकाग्रता उस ध्वनि के साथ जुड़ जाए तो उससे मन के अंदर के आलस्य प्रमाद और विचारों की भीड़ को एकदम पस्त किया जा सकता है एक बिल्कुल छोटा सा घरेलू सा एक उदाहरण देती हूँ आप आराम से बैठे कुर्सी में कुछ पढ़ रहे थे या बात कर रहे थे अचानक से कोई पीछे से आया और वो बहुत जोर से चिल्लाए तो पूरा शरीर कांप जाता है या आप बैठे हैं और कोई बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया या कोई और लाउड साउंड जोर का आवाज हुआ तो पूरा शरीर जैसे धड़क जाता है और कई बार तो लोगों की हार्ट रेट इतनी बढ़ जाती है कि फिर कम लाने में उनको बड़ा कोशिश करके फिर नॉर्मल हो पाते हैं और था वो कुछ नहीं कि किसी का टायर फट गया था या कोई ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ था या बच्चे ने कोई चीज तोड़ दी थी वो जो धमाका है वो आपके सारे स्पाइनल फ्लेक्सिस को जगा देती पूरा शरीर एक वाइब्रेशन से भर जाता है अब हम इसी कीमिया को इसी केमिस्ट्री को अगर अपने भीतर इस्तेमाल करें तो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं राइट पिच पे ले जा रहे हैं पूरी एकाग्रता साथ में उसमें जोड़ दे एकाग्रता मतलब दैट यू शुड बी अटेंटिव टू द साउंड विच यू आर क्रिएटिंग दैट्स इट और लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं है इसमें ध्वनि उत्पन्न करी और ध्वनि में मन को जोड़ दिया अब ये एक ऊर्जा को जगा देगा यह बहुत फिजिकल भी होगी और ये माइंड लेवल पर भी होगी दोनों जगह पर आ जानी चाहिए देखिए ऊर्जा के जो फॉर्मेशन है उसका एक्सप्रेशन तीन ही तरह से होता है एक लाइट दूसरा वाइब्रेशन तीसरा मोशन कोई भी ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है क्या दे रही है रोशनी और यही इलेक्ट्रिसिटी पंखे में क्या दे रही है मोशन राइट और इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक स्कूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बत्ती भी जल रही है और स्कूटर चलता भी है तो मोशन भी आ रहा है वाइब्रेशन भी आ रही है और रोशनी भी आ रही है संतों ने यह कहा कि आप अगर मंत्र का ठीक से उपयोग करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो आपको भीतर तो रोशनी भी दिखा सकती है आपके पूरे शरीर को स्पंदित भी कर सकती है और तीसरा आपकी चेतना को उद्वगामी भी बना देगी थ्री थिंग्स विल हैपन अगर आप ठीक से करते हैं तो साधारण भाषा में कह दिया राम राम कहो रे मेरे मन राम राम कहो रे लेकिन इस कहने के पीछे कुछ रहस्य होते हैं वो रहस्यों को महात्मा लोगों ने उजागर नहीं किया उसे ये कह दिया कि अपने गुरु से पूछो यहीं से गुरु दीक्षा लेने का जो प्रकरण शुरू होता है यहीं से शुरू होता है कि जब गुरु से आप मंत्र पाएंगे याद रहे जो गुरु खाली मंत्र पकड़ा दे तुम्हें उसने काम अधूरा किया है। तो ऐसे हो गया कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो दे पर उसका मैनुअल नहीं दिया नो no यूज़। मंत्र के पीछे कारण होता था कि मंत्र के संग संग गुरु उसको कैसे करना है ये बताएगा और वही इंपॉर्टेंट होता था वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था आप उस से उस विधि से जब आप मंत्र को करते हैं तो मन सहजता से टिक जाएगा एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट चाहे तो आप करें दोनों हाथों का इसे जोर से रगड़िए दबा के रगड़ दीजिए एक बार खाली बैठे थे ना कुछ काम करना चाहिए डू <laughs> इट हाथ गर्म हो जाता है राइट इट गेट्स वार्म वेरी इजी आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ा ज्ञान था मैं ज्ञान देने वाली बात कही भी कब तो का कुछ एक्सपेरिमेंट करते घर्षण <laughs> से उष्मा वाम हाथ में पैदा हुई राइट right? मंत्र में हम यही घर्षण अपने कंठ में करते तो स्टेप नंबर वन मंत्र को बोलिए वो कॉर्ड्स का वाइब्रेशन हो घर्षण होना चाहिए दूसरा जब आप ये घर्षण करें तब तो आपकी ध्यान, पर्टिकुलरली इस कंठ के रीजन में रहनी चाहिए शिवजी का एक नाम है नीलकंठ कथाएं हैं जहर पिया जहर यही रोक लिया वो सब सही है अपनी जगह में बट उस मिथ का ये है कंठ के इस गले के रीजन में एकाग्रता को रखते हुए शब्द की जब आप मंत्र की जब आप उत्पत्ति करते हैं तो उस फोकस्ड अटेंशन से हम अपने मन को एक अद्भुत सुख की अनुभूति देते और याद रहे मन हमारा चीजों का लोभी नहीं है मन हमारा सुख का लोभी है भूल नहीं भूलिएगा नहीं इस पॉइंट को मन को वस्तु प्यारी नहीं होती है मन को उस वस्तु से जो सुख मिलता है ना वो प्यारा होता है आपने कोई चीज खरीदी लेट इट बी मोबाइल फोन में भी आपका मोबाइल फोन आप बड़ा काम का है इस्तेमाल करते हैं अच्छे से यूज करते हैं लेकिन आपके मोबाइल नंबर पे कोई आपको परेशान करने लग जाए कोई धमकाने लग जाए कोई शरारत करने लग जाए और रात दो बजे तीन बजे चार बजे कभी भी आपको फ़ोन करने लग जाए तो आपको यही फ़ोन फिर किसी दैत्य से कम नहीं लगेगा